ग्रेटर नोएडा में एक शादी में हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। बारातियों की गोली महिला के सिर पर लगी। घटना के बाद से महिला का परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी का पता नहीं लगा पाई। ग्रेटर नोएडा में एक शादी के दौरान उस वक्त मातम छा गया जब बारातियों की फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई। घटना जारचा कोतवाली क्षेत्र के खटाना गांव की है। अशोक नाम के एक शख्स के बेटे की शादी थी। बारात जाने से पहले घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी। बाराती फायरिंग कर रहे थे, तभी पास के ही एक छत से जश्न देख रही कामनी नाम की महिला के सिर में गोली लग गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई की घर वाली घर पे जो है घुड़चढ़ी देख रही थी, तो उसमें एक खापन की घुड़चढ़ी हो रही थी अपने घर से। घर से जंगले में खड़ी थी, और किसी ने घुड़चढ़ी में गोली चलाई और जो है गोली उसके माथे पे लगी। समझाए रही हॉस्पिटल में लाई और डॉक्टरों ने कह दी। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। खटाना गांव में जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक कामनी नाम की महिला की फायरिंग करने वाले का नाम अभी पता नहीं चला, लेकिन हम लोग शीघ्र ही पता लगा लेंगे और समुचित वैधानिक कार्रवाई। कामनी की मौत की खबर मिलते ही पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। शादी में गोली चलने की घटना ने एक ही झटके में एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। रमन ठाकुर, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा।